सपने सुहाने लड़कपन के में कबीर त्रिपाठी का किरदार निभा चुके टेलीविजन एक्टर पीयूष सहदेव इन दिनों सलाखों के पीछे अपने दिन गुजार रहे हैं। हाल ही में हमने आपसे ये खबर साझा की थी कि कबीर यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें, टेली चक्कर की खबर अनुसार मेडिकल रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि पीड़िता के साथ रेप किया गया था। पीयूष को 90 दिनों की हिरासत में रखा गया है, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी है। 23 साल की विक्टिम पीयूष के साथ पिछले 2 महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन करने के बाद पीयूष को पुलिस ने 22 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। देवों के देव महादेव में राम के किरदार से मशहूर होने वाले पीयूष सहदेव को हो सकता है मेडिकल रिपोर्ट्स में दोषी पाने के बाद अब बहुत जल्द रेप केस में सजा सुनाई जाएगी। पीयूष ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2007 में हर घर कुछ कहता है नाम के टीवी सीरियल से की थी। उसके बाद उन्होंने कई फेमस टीवी सीरियल्स जैसे बेहद, देवांशी, गीत, प्रतिज्ञा में काम करके देश भर में अपनी एक पहचान बनाई। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद उनका कैरियर चौपट होने की कगार तक जा पहुंचा है। देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में पीयूष को क्या वर्डिक्ट सुनाते हैं। फिलहाल रिश्ता टीवी का में इतना ही। अपने पसंदीदा एक्टर्स और सीरियल की लेटेस्ट खबरों के लिए आप करें हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।